चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पो की कमाई। टिंकल से ली गई है दोस्तों। यह कहानी अच्छी लगी, छोटी है पर अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, बर्मा में पो नाम का एक गरीब आदमी रहता था। थोड़ा ऊंचा सुनता था वह। एक दिन, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, हथौड़ी नहीं है, हथौड़ी का क्या करेगी तू? अजी, मैं कह रही हूँ, घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी कहीं जाकर कुछ पैसे कमा कर लाओ, वरना कल से सिर्फ हवा पानी पर गुजारा करना पड़ेगा। अरे अरे, तो फिर इतना चिल्ला कर क्यों बोल रही हो? मैं बहरा हूं क्या? बस जरा सा ऊंचा सुनता हूं। खैर, अब मेरे लिए खाना तैयार कर दे, मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूं। घर में अनाज का दाना नहीं था, सो दो चार पड़ोसियों के यहां से जो कुछ मिला मांग लाई। इसमें थोड़ी सी सेवई है, एक उबला हुआ अंडा है, बांस के अंकुर का अचार है और एक बाटी है। उपलों की आग या अंगारों पर सेकी हुई छोटी मोटी रोटी को तो बाटी कहते हैं। रात होने से पहले लौट आना जी। वो काम की तलाश में निकल पड़ा। शहर का रास्ता काफी लंबा था, जल्दी ही वह थक गया। हम कितनी गर्मी है। आह झोपड़ी, क्यों न थोड़ी देर इसी में सुस्ता लो। कोई घर में है? सर कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान। पर पो नहीं जानता था कि उस झोपड़ी में चार राक्षस रहते थे। यह आवाज कैसी? लगता है दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया है। सू सू, बिल्कुल ठीक, मुझे आदम बू आ रही है, जरूर कोई मनुष्य है। वाह, अब हमें शिकार की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं। चलो पहले इसे डरा कर इसकी सिट्टी पिट्टी गुम की जाए, मजा आएगा। हे हे, आंखें मूंदे बैठा है, देखना कितनी जोर से उछलेगा। हो, मेरे कान के पास मक्खी बिन बिना रही है। हद हो गई, जरा भी नहीं डरा हूं। बड़ा खुंखवार समझता था ने अपने आप को। अरे तुझसे तो कोई चूहा भी नहीं डरे। अब मुझे देखो, घर घर कहीं दूर कोई मेंढक टर्रा रहा है, ट्रैक्टर। यह तो बरसात का मौसम भी नहीं है, फिर भी कितनी अजीब बात है। है मेरी आवाज और मेंढक के टराने में कोई फर्क नहीं, बड़ा जीवट वाला है। चलो हम सब उसके पीछे खड़े होकर पूरी ताकत से चिल्लाए, फिर अगर इसके हाथों के तोते ने उड़ जाए तो मेरा नाम नहीं। आहा, ओहू, गर, गर। लगता बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तभी तो झोपड़ी की सब खिड़कियां जोर जोर से लड़खड़ा रही हैं। झोपड़ी के मालिक से कहूंगा कि खिड़कियों के कब्जों में तेल डाल दे, फिर वे आवाज नहीं करेंगी। बाप रे, अब भी नहीं डरा, दस शेरों जैसा बहादुर है यह तो। हो सकता है उतना ही ताकतवर भी हो। भैया रे, यह तो उठ रहा है, चलो जल्दी से कहीं छिप जाए, कहीं इसने हमारी चटनी बना दी तो। सो चारों राक्षस डर के मारे एक बड़ी मेज के पीछे जाकर दुबक गए। अरे यह लच्छेदार चीज क्या है? ओ सेवई, लच्छू लच्छू, तेरा स्वाद अनूठा, न ही कड़वा न ही खट्टा, स्वाद है तेरा मीठा मीठा। उन चारों राक्षसों में से पहले राक्षस का नाम लच्छू था। जब उसने यह सुना तो वह मारे डर के थर थर कांपने लगा। यह तो मैं मुझे पुकार रहा है, यानी यह जानता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। फिर पो ने अंडे पर हाथ फेरा। ऐसा लगता है जैसे किसी गंजे की खोपड़ी हो। चिकना चिकना तेरा सर, बाल नहीं कोई उस पर, ना तू लल्लू ना तू पंजू, यहाँ छिपा बैठा है गंजू। यह सुनकर गंजू नाम के दूसरे राक्षस के पसीने छूट गए। यह तो मेरा नाम ले रहा है, आए अब तेरा क्या होगा? वह मुझे जम कर जाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चुप चुप चुप, आहा बांस के अंकुर का अचार, इतना लंबा टुकड़ा है, सबसे पहले यही खाकर मुंह का स्वाद बदला जाए। नहीं खाऊंगा लच्छू को, नहीं खाऊंगा गंजू को, अगर किसी को खाया भी तो पहले खाऊंगा लंबू को। ले ले लंबू, यह तो मेरा नाम है, हाय वह मुझे खा जाएगा। सुबुक सुबुक, शुक्र है उसने मेरा नाम नहीं लिया, चलो भैया अपन तो बच गए। पाजी, अगर उसने तेरा नाम नहीं लिया तो हम जाकर उसे तेरा नाम याद दिलाते हैं। आह बाकी, यह तो मुझे बहुत पसंद है, अब नैक करूंगा अगर मगर, अब नैक करूंगा टाल मटूल,
फैसला मेरा पक्का है, पहला कोर है गोल मटोल। सुन लिया गोल मटोल जी, आपकी मौत का पैगाम आ गया। नहीं नहीं मैं अभी नहीं मरना चाहता, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अब हम क्या करें। चलो उसके पैर पकड़कर उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारी जाने बकस दे। हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, श्रीमान जी हम पर दया कीजिए, हमें मत खाइए। सुबुक सुबुक, अरे मेरे पैरों को किसने पकड़ लिया? हे भगवान, रे राक्षस, लेकिन ये मेरे सामने नाक क्यों रगड़ रहे हैं? वो समझा जरूर ये मेरे भोजन में से हिस्सा बांटना चाहते हैं, पर मैंने अगर अपना भोजन इन चारों में बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान पकस दीजिए। नहीं भाई मैं मजबूर हूं। अच्छा आप चाहे तो सोने की मोहरों से भरे ये अंडे रख लीजिए, पर हमें चैन से यहाँ रहने दीजिए। सोने की मोहरे? ये मुझे सोने की मोहरे क्यों दे रहे हैं? लगता है ये किसी वजह से मुझसे डरते हैं। अच्छी बात है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगा। बाप रे, फिर हम यहाँ आपको नजर नहीं आने वाले, हम चले किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। अरे अरे धक्का क्यों देता है, सिर पर पैर रखकर भागो। राक्षस डर के मारे भाग खड़े हुए और पो अपनी कमाई सोने की मोहरों से भरी गठरी पीठ पर लाद कर अपने घर की ओर रवाना हो गया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, छोटी सी, जरूर लाइक करना इसको।